Okay, so we are going to start our lecture. Yeah, sharing the screen. Look, see. Side वाले panels नहीं आ रहे वो properties उसके. हाँ, side वाले panels के लिए मैंने कल बताया था. ठीक है, see. Sir, view से लेट है, so वो नहीं. यहाँ पर देखो तीन buttons होते हैं ऊपर की तरफ. Show open closed documents. Close. बताते हैं. Actually, जैसे ही हम कोई frame लेते हैं palette automatic आता है. मैं दिखाता हूं. हम लोग swing demo में हैं. In the swing demo, simple interest हम लोगों ने कल एक फ्रेम बनाया था. आज के हमारे टॉपिक्स हैं. What are the today's topic? That is very important. Discussing fast. डेटाबेस कनेक्टिविटी के रिलेटेड हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट कर ली. ठीक है, ये भी एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मे बी ये कल आ जाएगा. कल क्लास है मेरी, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, आज कल कल. ठीक है, ले लेंगे. ठीक है, सी आज के टॉपिक्स हैं रेडियो बटन, चेक बॉक्स. दो चीजें हम लोग देखेंगे कि रेडियो बटन और चेक बॉक्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, और हो सकता है कि कॉम्बो बॉक्स भी आज देखें. कॉम्बो बॉक्स को हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं. ठीक है, तो आज के हमारे ये तीन मेजर टॉपिक्स हैं जो हमें आज कवर करना है. ध्यान से देखना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू स्टार्ट. राइट क्लिक, न्यू जे फ्रेम. सबसे पहले हमने एक जे फ्रेम लिया, और जे फ्रेम को लेने के बाद में इसका नाम रखा रेडियो डेमो. ध्यान से देखना, क्लिक ऑन फिनिश्ड. ये रेडियो डेमो हमारा जो है वो इसी डिफॉल्ट पैकेज के अंडर में क्रिएट हो गया, जैसे कि पहला हमारा था सिंपल इंटरेस्ट और उसके बाद ये आ गया. ठीक है, तो जैसे ही हमने फ्रेम लिया ऑटोमेटिक हमारा पैलेट इधर साइड में आ गया. कभी कभी ये पैलेट नहीं आता है, तो मैंने आपको बताया कि ये पैलेट का ऑप्शन है, यहां से आप इसे ला सकते. ये ठीक है, यही दो ऑप्शन हैं इसके. इसके बाद इसको हमने ड्रैग किया, और ड्रैग करने के बाद ये हमारा बेसिकली फ्रेम है. ठीक है, अब इस फ्रेम के अंदर हमने अपने अकॉर्डिंग कुछ बेसिकली कंट्रोल्स लेते हैं. तो यहां पर हमने एक पैनल लिया, इसको बोलते हैं हम लोग हेडिंग पैनल. और इसके बाद इसके अंदर इसका कलर हमने चेंज कर लिया. सारा काम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने कल किया था, बहुत ही लाइट कलर इस पर रखा हमने, लाइक दैट. ओके, और चाहो तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, मतलब सॉरी बैकग्राउंड नहीं, इस पर एक बॉर्डर ले सकते हो. जैसे तुम्हारा पैनल सेलेक्टेड है और तुम यहां जाओ बॉर्डर पे, ये देखो बॉर्डर का ऑप्शन है, और बॉर्डर में जाने के बाद लाइन बॉर्डर एंड क्लिक ऑन ओके. अब देखो ये एक बॉर्डर है, हेडिंग बनाने के लिए इसका यूज किया गया, हेडिंग. ठीक है, अब इसके अंदर कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए हम लोग लेबल का सपोर्ट करते हैं. राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट. फीस कैलकुलेशन, फीस कैलकुलेशन बहुत ज्यादा छोटा आ रहा है, तो इस पर क्लिक करने के बाद 18 ये आ गया फीस कैलकुलेशन. ओके, अब फीस कैलकुलेशन तो आ गया, अब हम यहां पर एक यूजर आईडी, मतलब यूजर का नाम और यूजर की फीस इनपुट कराएंगे, और वो किस कैटेगरी का है उसके अकॉर्डिंग उसमें कंसेशन होगा.
मैं बताता हूं, पूरा पूरा डिजाइन बताता हूं। किसी भी कंट्रोल को यूज करने के लिए हमारे माइंड में कुछ स्ट्रक्चर होने चाहिए, कुछ डिजाइन होने चाहिए। तो बेसिकली फीस कैलकुलेशन एक हेडिंग होगी, ओके, और फ्रेम को हमने चूज किया और यहां पर आई इवेंट्स में कोड में सॉरी, और उसके बाद जनरेट सेंटर कर दिया ताकि ये फ्रेम हमारा जो है वो सेंटर में आए। तो अभी हम इसको रन करेंगे तो नाउ दिस फ्रेम विल बी अपीयर इन द सेंटर ऑफ द पेज लाइक दैट। जस्ट अ मोमेंट, पहला फ्रेम थोड़ा सा टाइम लेता है बट आ गया। देखो, यू कैन सी माय फ्रेम इज अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन, एब्सोल्युटली फाइन। अभी हम इसे यहां से क्लोज कर देंगे, लेकिन बाद में हमने क्लोज के लिए कल बटन भी बनाया था। ओके, नाउ कमिंग बैक, अब हम आते हैं यहां पर रेडियो बटन पे, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम यूजर का आईडी और पासवर्ड, रोज हम कुछ आपको नई नई चीजें बताएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर टेक्स्ट फील्ड ली हमने ध्यान से, और इस टेक्स्ट फील्ड को हमने थोड़ा इंक्रीज कर लिया। अब टेक्स्ट फील्ड से पहले हम लेबल्स नहीं ले रहे, ठीक है, लेबल्स नहीं ले रहे, ठीक है। टूल टिप के थ्रू हम यहां पर लिखेंगे इंटर नेम। ये टूल टिप क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, वन मिनट, ठीक है। हमने एडिट टेक्स्ट करके इसको ब्लैंक कर दिया, और ब्लैंक करने के बाद एक और टेक्स्ट फील्ड ले ली यहां पर नीचे, और इसको भी हमने इंक्रीज कर लिया लाइक दैट, और इस पर हमने राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट इसको भी ब्लैंक, और इस पर एडिट टेक्स्ट इस पर भी ब्लैंक, अंडरस्टैंड। अब हम ये चाहते हैं कि यूजर यहां पर अपना नाम इंटर करे और यहां पर अपनी फीस इनपुट करे, ओके। बट ये कैसे पता चलेगा कि इस टेक्स्ट फील्ड में हम क्या चाहते हैं और इस टेक्स्ट फील्ड में हम क्या चाहते हैं? कोई इंफॉर्मेशन तो आ नहीं रही है, मतलब कोई लेबल तो यहां पर है नहीं कि इंटर नेम, इंटर एंड फीस, ठीक है। तो लिसन केयरफुली, ठीक है, लिसन केयरफुली, ओके, वन मिनट, ओके। यहां पर हमने इसे राइट क्लिक किया, ठीक है, और राइट क्लिक करने के बाद इसका वेरिएबल का नाम रखा हमने टी नेम, ओके, और यहां पर हमने रखा, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, राइट क्लिक, चेंज वेरिएबल नेम टी फीस, क्लिक ऑन, ओके। अब इन दोनों का फॉन्ट बहुत कम आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि इनका फॉन्ट चेंज हो जाए। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए, ठीक है, फॉन्ट चेंज करने के लिए हमें फॉन्ट ऑप्शन में जाना होगा, और यहां पर जाने के बाद में हमने इसको 14 या 18 कर लिया, ना, एब्सोल्युटली फाइन। अब हम इस फ्रेम को फिर से रन करते हैं तो देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट हुआ। सी, मैटर तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन यह नहीं पता चल रहा है कि यहां पर टाइप क्या होगा। What we have to type here, no problem. उसके लिए भी हम एक provision बना रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। इस पर हमने select किया, select करने के बाद right hand side में एक option आता है जिसको हम लोग कहते हैं tool tip text. देखो, दिखा रहे, ये देखो tool tip text, और इसमें हमने लिख दिया Enter your name. अब इससे क्या होगा, जब कर्सर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाएगा तो नीचे की तरफ से एक रिमार्क टाइप का आएगा, उसमें लिखा होगा Enter your name. ओके, मैं दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। इसको चूज किया और इसका टूल टेक्स्ट कर दिया Enter fees. ओके, अंडरस्टैंड। अब देखो, ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया एंड आई वॉन्ट टू रन इट अगेन, ठीक है। अब जैसे ही हम यहां पर कर्सर ले जाएंगे, लिख कर आ रहा है इंटर योर नेम, सिर्फ कर्सर ले जाना है और थोड़ी देर के बाद ये मैसेज चला जाता है इंटर योर नेम, और जब हम कर्सर यहां ले जाएंगे तो इंटर फीस। Are you getting? Okay. This is basically called tooltip. Understand? तो ये भी एक तरीका है
इनपुट लेने का फ्रॉम द यूजर। आप नहीं चाहते हैं कि यहां पर लिख कर आए परमानेंटली इंटर नेम इंटर फीस। ऑल राइट, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो कर्सर साइड में ब्लिंक कर रहा है ये बीच में आए, मतलब आई वॉन्ट सेंट्रली अलाइन दिस टेक्स्ट बॉक्स। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसको चूज कर लो और इसको चूज कर लो, और दोनों को चूज करने के बाद थोड़ा नीचे आओ। ये देखो हॉरिजॉन्टल अलाइन, इसको तुम कर लो सेंटर। अब जब भी तुम्हारा टेक्स्ट लिखेगा तो वो सेंटर से लिखेगा। ओके, अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, कलर। तो कलर तुम चाहो तो इसके अंदर आज डार्क रेड कर लो, या ओके समथिंग लाइक दैट। अब देखें, यस अब देखते हैं, रन कर रहे हैं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं हमारे फॉर्म में। ठीक है, राम एंड सैलरी इज, ओ सॉरी फीस इज 7000। अंडरस्टैंड, सेंटर अलाइन हो गया, कलर जो है वो रेड हो गया। ओके, अब फीस के लिए हम एक रेडियो बटन देंगे। ठीक है, तो रेडियो बटन के लिए व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट अ मोमेंट, एक पैनल ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर पैनल बेसिकली कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है, टू ऑर्गेनाइज द कंपोनेंट्स। ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर आई वॉन्ट टू पुट सम रेडियो बटन्स, तो थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं और इस पूरे को थोड़ा शिफ्ट करते हैं यहां, लाइक दैट, इतना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और अब यहां पर क्या करना है, बेसिकली करना यह है कि ये जो पैनल आपने लिया है, ठीक है, इसको आपने चूज किया, और चूज करने के बाद बॉर्डर पे जाइए, बॉर्डर पे, और यहां पर लीजिए टाइटल्ड बॉर्डर, और टाइटल रखिए CSTE कास्ट। ओके, कास्ट, अंडरस्टैंड, और इसका फॉन्ट 12 कर लो, क्लिक ऑन ओके, डेफिनेटली ये बनकर आ गया कास्ट। ओके, और तुम चाहो तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, तो बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए आई जस्ट वांट टू टेक अ वेरी लाइट कलर, लाइक दैट, अंडरस्टैंड। वेट वेट वेट, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। ओके, अब इसके अंदर हमको रेडियो बटन प्लेस करना है, तो रेडियो बटन प्लेस करने के लिए दिस वन इज फर्स्ट रेडियो बटन, बहुत ध्यान से देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और उसके बाद हम लोग एक और रेडियो बटन ले लेते हैं, और उसके बाद हम लोग एक और रेडियो बटन ले लेते हैं। तो वी हैव टेकन द थ्री रेडियो बटन, अंडरस्टैंड। तो तीन रेडियो बटन का मतलब क्या हो गया, एक जनरल कास्ट हो जाएगी, एक तुम्हारी जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट हो जाएगी, और एक हो जाएगी अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी। ओके, तो यहां पर हमने इस पर राइट क्लिक करा और एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट में लिखा हमने SCHEDULED, शेड्यूल्ड कास्ट। ओके, और यहां पर हमने लिख दिया GENERAL, जनरल कास्ट। ओके, और उसके बाद यहां पर हमने राइट क्लिक करके लिख दिया अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी। अब थोड़ा सा अलाइनमेंट हमने आपको कल भी बताया था कि थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, उसके बाद आप ठीक कर लीजिए। ये हो गया, डू यू अंडरस्टैंड। अब इन तीनों को थोड़ा थोड़ा सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद में फॉन्ट में जाने के बाद इनको 14 करो। ओके, और 14 करने के बाद में इनका जो बैकग्राउंड, सॉरी फोरग्राउंड कलर है, उसको लाइक दैट, एब्सोल्युटली फाइन, नाउ इट इज लुकिंग ग्रेट। और इसको थोड़ा सा कम कर लो साइज वाइज। ठीक है, क्लियर, ओके, डन, दिस डिजाइन इज ओके। लेट मी रन दिस डिजाइन, सी माय डिजाइन इज परफेक्टली ओके, क्लियर। बट अभी एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम एक्चुअली, हमने रेडियो बटन इसको चूज किया, अभी इसको चूज किया, अभी इसको चूज किया, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, देखो रेडियो बटन सारे कभी भी एक साथ सेलेक्ट नहीं हो सकते,
यानी कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेल भी हो, फीमेल भी हो, अदर भी हो, या वो शेड्यूल कास्ट भी हो, जनरल भी हो, अदर बैकवर्ड क्लास भी हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो तीनों में से कोई एक हो सकता है, अंडरस्टैंड। तो जहां पर कोई यूजर को हमें एक ऑप्शन देना हो, अ सिंगल ऑप्शन, वहां पर हम लोग बेसिकली यूज करते हैं क्या क्या यूज करते हैं, रेडियो बटन। बट यहां पर तो सभी सिलेक्ट हो रहे हैं, जबकि सबका सिलेक्शन यहां पर नहीं होना चाहिए। तो इसको अभी हम ठीक करेंगे। पहले ये डिजाइन देख लो, अभी तुमसे बनवाएंगे डिजाइन। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, रेडियो बटन ग्रुप को यूज करना। रेडियो बटन ग्रुप, तो रेडियो बटन ग्रुप क्या करता है, इन सबको ग्रुप कर देता है। अभी ये ग्रुप नहीं है, ये अभी अलग अलग है। जब ये ग्रुप्ड हो जाएंगे तो फिर इनमें से हम कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते। तो नाउ दिस टाइम दे आर नॉट इन ग्रुप, दे आर आइसोलेटेड, दे आर इंडिपेंडेंट। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो सब एक साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। तो हाउ टू मेक इट ग्रुप, रेडियो बटन को ग्रुप कैसे किया जाए, तो रेडियो बटन ग्रुप को ड्रॉप करो, कहीं पर भी ड्रॉप कर दो, ये साइलेंट कंट्रोल है, दिखाई नहीं देगा। आ गया है बट ये दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई नहीं देता है, बट ये आ जाता है। ठीक है, कैसे आ जाता है, देखो जब तुम लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे यहां पे, तो ये देखो तुम्हें दिखा रहा है रेडियो बटन ग्रुप, रेडियो बटन ग्रुप, ठीक है ना, देख रहे हो। अच्छा, अब उसके बाद इनको हमने चूज किया, और चूज करने के बाद में इनको हमने चूज कर लिया। अब चूज करने के बाद इन तीनों को रेडियो बटन ग्रुप के अंदर स्टोर कर, किसमें स्टोर करना है, रेडियो बटन ग्रुप के अंदर। तो यहां पर ध्यान से देखो, थोड़ा नीचे आओगे, देखो लिखा है बटन ग्रुप। अभी ये बटन ग्रुप के सामने नन आ रहा है, मैं दिखाता हूं तुमको भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब। देखो ध्यान से देखो, हमने इन तीनों रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लिया, ऊपर एक ऑरेंज कलर की रेक्टेंगुलर एरिया आ रहा है, येलो कलर का या ऑरेंज कलर का। तो इसका मतलब है कि इस टाइम तीनों रेडियो बटन आपके सिलेक्टेड है। तो अगर तीनों रेडियो बटन आपके सिलेक्टेड हैं, तो इन तीनों के सामने इधर देखो, यहां पर ग्रुप, बटन ग्रुप, बटन ग्रुप के आगे नन आ रहा है। नन का मतलब है कि अभी ये किसी ग्रुप में नहीं। तो बस इधर आओ, यहां पर इस पे क्लिक करो और इसको BTN ग्रुप 1 के अंदर डाल दो, मतलब बटन ग्रुप 1 के अंदर स्टोर कर। अब ये तीनों रेडियो बटन ग्रुप के अंदर आ गए। तो जब ये ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, तो अब एक समय में केवल एक ही सिलेक्ट होगा, तीनों एक साथ सिलेक्ट नहीं। आई विल शो यू, डोंट वरी, आई विल शो यू। ओके, नाउ जस्ट आई वॉन्ट टू राइट क्लिक एंड रन दिस फाइल। Not just, I have typed Mahira, थीम बेस चल रहा है, ठीक है, और यहां पर हमने फीस दे दी, फीस आ रही है, यस 70,000। अब देखो, या तो हम शेड्यूल कास्ट सेलेक्ट कर लें, या जर्नल सेलेक्ट कर लें, या अदर बैकवर्ड, तीनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा। डू यू अंडरस्टैंड, Do you understand? Yes, sir. आराम से देखो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताओ, मैं दोबारा फिर समझा दूं। कोई बटन ग्रुप का ऑप्शन एक बार और बताएं। कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। आई वॉन्ट टू शेयर दिस स्क्रीन शॉट इन योर ग्रुप, यही है ना, ओके। जस्ट आई वॉन्ट टू क्लोज दिस, और क्लोज करने के बाद ठीक है, यहां पर साइड में एक ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके हमने उसे डिलीट कर दिया, ठीक है। अब कोई भी रेडियो बटन किसी ग्रुप के अंदर नहीं, देखो चूज करो
और इसको चूज करो, इसको चूज करो। देखो इनवैलिड रेफरेंस आ रहा है। इनवैलिड रेफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ग्रुप आपने बनाया था वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां से एक रेडियो बटन ग्रुप लो और उसे अपने फ्रेम के ऊपर कहीं भी ड्रॉप करो, किसी भी एरिया, वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब इसको चूज करो, इसको चूज करो, इसको चूज करो, मतलब सेलेक्ट करो और बटन ग्रुप के अंदर जाओ और आ रहा होगा बटन ग्रुप टू, क्योंकि एक और पहले आ चुका था, अब ये दूसरा आ गया। ठीक है, तो ये तीनों तुम्हारे ग्रुप के अंदर है। अब उसके बाद इसे रन करो और रन करने के बाद यू विल सी द डिफरेंस दैट ओनली सिंगल रेडियो बटन विल बी सेलेक्टेड एट अ टाइम, द अदर विल नॉट। डू यू अंडरस्टैंड? अब हमको कुछ प्रोग्रामिंग करना है। डिजाइनिंग जो है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिर्फ आपने डिजाइन बना बना कर दे दिए लेकिन वो डिजाइन कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो डिजाइन भी आपका यूजलेस है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? सैलरी कैलकुलेशन। तो थोड़ा सा इसको हमने और बढ़ा लिया और बढ़ाने के बाद यहां पर कुछ बटन्स ले लिए, छोटे छोटे बटन्स। ठीक है, एक बटन और एक बटन और ले लिया हमने इस कॉर्नर पे। ठीक है, और इस बटन पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कर दिया हमने, प्रोसेस प्रोसेस, और यहां पर हमने कर दिया क्लोज क्लोज। अभी हॉटकी बनाना भी बताएंगे। हॉटकी का मतलब होता है कि जैसे कि क्लोज क्लिक करने पे नहीं, ऑल्टर सी करने पे हमारा क्लोज हो जाए या ऑल्टर एक्स करने पर हमारा फ्रेम क्लोज हो जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, ठीक है, यू डोंट वरी। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, प्रोसेस का मतलब है कि सैलरी प्रोसेस होगी। ओके, अब हमने लिखा शेड्यूल कास्ट के आगे एडिट करके आगे लिख दिया हमने 40%। ओके, और जनरल कास्ट में हमने लिख दिया 10%। प्रॉब्लम? और बैकवर्ड क्लास में लिख दिया हमने 20%। क्लियर? मतलब अगर कोई शेड्यूल कास्ट है तो उसको 40% डिस्काउंट मिलेगा उसकी अपनी फीस में, और अगर जनरल कास्ट है तो उसको जनरल कास्ट मिलेगा 10%, और अदर बैकवर्ड क्लास है तो उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो अब देखो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ये प्रोसेस है और ये क्लोज्ड है, तो प्रोसेस पे हमने राइट क्लिक करा। कभी कभी बहुत ज्यादा हैवी बटन्स अच्छे नहीं लगते, छोटे छोटे बटन्स अच्छे लगते। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर हमने राइट क्लिक करा और राइट क्लिक करने के एक काम कर लेते हैं, इसको और इसको दोनों को चूज करके फॉन्ट थोड़ा 12 कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा। ओके, और फोरग्राउंड कलर जो है लाइक दैट, सो नाउ इट इज मैचिंग। अब ये सब एक दूसरे से मैच कर रहा है। ओके, फाइन। ओके, अब देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ठीक है, तुम चाहो तो इस पर भी एक टूल टिप दे सकते हो। ठीक है, तो हमने इस बटन पे क्लिक सेलेक्ट किया और टूल टिप में जाके दे दिया फॉर फीस कैलकुलेशन, मतलब फीस के कैलकुलेशन के लिए आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, और इस पर एक टूल टिप दे दिया हमने। ठीक है, द फ्रेम विल बी क्लोज्ड। ओके, फ्रेम क्लोज्ड हो जाएगा। ओके, इसका भी इंपैक्ट देख लो, जल्दी से इंपैक्ट देखो। ओके, नाउ सी, बहुत अच्छा डिजाइन बन गया। जैसे ही हम कर्सर ले जाएंगे फॉर फीस कैलकुलेशन, द फ्रेम विल बी क्लोज्ड। अभी कोई कोडिंग नहीं, तो नाउ द फ्रेम इज नॉट क्लोजिंग। ओके, फ्रेम अभी क्लोज नहीं हुआ। ओके, नाउ फाइन। अब देखो ध्यान से,
इस पर हमने राइट क्लिक करके चेंज वेरिएबल कर लिया, ठीक है, BTN फीस। अब हमने इस पर डबल क्लिक करा और डबल क्लिक करने के बाद ये हम उस फंक्शन के अंदर आ गए जो उस बटन का फंक्शन है। इसको कहते हैं हम लोग एक्शन परफॉर्म्ड फंक्शन। मतलब जब उस बटन पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, मतलब जब हम बटन पे क्लिक करें तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि जब आप घर में होते हैं तो घर में होने के बाद आपसे कहा यह जाता है, आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और इलेक्ट्रिशियन से आपने ये कहा कि देखो भाई ऐसा है यहां पर कुछ स्विच लगा दो। ओके, उसने कहा ठीक है सर हम लगा देंगे। ये एक स्विच लगा दिया, ये दूसरा स्विच लगा दिया और ये तीसरा। अब वो आपसे पूछेगा कि इस स्विच पर जब आप ऑन करें तो सर आप क्या चाहते हैं, क्या हो जाए। ठीक है, आपने कहा ये वाला जो स्विच है जब हम इस पे ऑन करें तो फिर हमारा फैन ऑन होना चाहिए। ये फैन ऑन होना चाहिए। जब हम ये वाले बटन पर प्रेस करें तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, जो हमारी ट्यूबलाइट गैलरी में लगी है वो ऑन हो जाए। तो ये इलेक्ट्रीशियन इस टाइप से वायरिंग करेगा कि बटन के, आप तो सिर्फ बता रहे हैं ना, टेक्निकली जो वायरिंग करेगा वो इलेक्ट्रीशियन करेगा। तो उस बटन के क्लिक होने पर क्या होना चाहिए वो प्रोग्रामर यहां पर लिखेगा। वही तो आप हैं। द प्रोग्रामर विल राइट द कोड हियर कि उस बटन के क्लिक होने पर क्या होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? तो अब हम इसको क्लियर करते हैं और क्लियर करने के बाद हमने यहां पर सबसे पहले तो हम वैल्यूज लेंगे। हमें वैल्यूज चाहिए हैं, ठीक है। तो वैल्यूज के लिए INT F और यहां पर हमने डिस्काउंट। ओके ओके, तो F इज इक्वल टू T फीस डॉट गेट टेक्स्ट, ये तो ले लिया हमने, बट जो गेट टेक्स्ट है वो तो टेक्स्ट फॉर्म में है तो उसको हम इंटीजर डॉट पार्स इनसे कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करने के बाद अब हमारे पास फीस आ गया। अब सबसे बड़ा इश्यू क्या है सर? इश्यू ये है कि उसने कौन सा रेडियो बटन चूज किया, ये कैसे पता चले कि उसने कौन सा रेडियो बटन चूज किया। हो सकता है उसने जनरल कास्ट चूज की हो, सकता है उसने शेड्यूल कास्ट चूज की हो सकता है उसने ओबीसी चूज किया हो। तो जस्ट अ मोमेंट, वन मिनट, आप यहां जाइए डिजाइन में और इसका वेरिएबल सेट कर दीजिए क्या, R1 मींस शेड्यूल कास्ट, इस पर सेट कर दीजिए R2 मतलब जनरल कास्ट, इस पर सेट कर दीजिए इस पर राइट क्लिक करके चेंज वेरिएबल नेम R3, क्लियर? ठीक है, अब ये हो गया। इस पर एक बार क्रॉस चेक कर लो जल्दी से, अरे देखा गलत हो गया, ठीक है। वेरिएबल नेम ही था ना हमारा, राइट क्लिक चेंज वेरिएबल नेम R1, ओके, राइट क्लिक चेंज वेरिएबल नेम, ये आया नहीं, R2, अच्छा कंट्रोल सेट कर दिया था, सॉरी, चेंज वेरिएबल नेम R3, एब्सोल्युटली फाइन। अब अपनी कॉपी पे कहीं पर लिख लो R1 मींस शेड्यूल कास्ट और R2 मींस हम भी लिख रहे हैं जर्नल कास्ट और R3 मींस अदर बैकवर्ड क्लास। ओके, शेड्यूल कास्ट है 40% डिस्काउंट पे, जर्नल कास्ट है 10% डिस्काउंट पे, एंड व्हाट ओबीसी है 20% डिस्काउंट पे। ओके फाइन, तो अब हम इस पर जाते हैं सोर्स पे, ठीक है। अब सोर्स के पर जाइए या आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, आप इमीडिएटली आ जाएंगे वहां पर। अब देखो डिस्काउंट हमें अकॉर्डिंग टू द रेडियो बटन सिलेक्शन, इफ R1 is selected, मतलब R1 हमारा रेडियो बटन है
इस सिलेक्टेड फंक्शन, इसका मतलब अगर R1 सिलेक्ट हुआ तो क्या करना? सर अगर R1 सिलेक्ट हुआ तो हमें फीस का मतलब हमें देना है 40 डिवाइडेड बाय 100.0 इनटू फीस, मतलब फीस का इनटू फीस, मतलब फीस का 40% डिस्काउंट। क्यों भैया बात सही है ना? एल्स इफ आर टू डॉट इज सिलेक्टेड, मतलब अगर आर टू सेलेक्ट हुआ तो सब प्रोग्रामिंग है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% 10 डिवाइडेड बाय 100.0 इनटू फीस। क्लियर? ओके। अदरवाइज एल्स इफ आर थ्री डॉट इज सेलेक्टेड, कुछ लिखना नहीं है, सब लिखा हुआ आता है, बस आपको चूज करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर डिस्काउंट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 100.0 इनटू एफ, मतलब 20%। ओके, एल्स में अगर कोई रेडियो बटन चूज नहीं होता तो डिस्काउंट विल बी 0.0। ओके, डिस्काउंट विल बी 0.0। ओके फाइन, अब देखो यहां पर, ठीक है बहुत ध्यान से देखना, ठीक है डिस्काउंट तो तुम्हारे पास आ ही रहा है। ओके, डिस्काउंट तो आ ही रहा है तुम्हारे पास, अगर डिस्काउंट आ रहा है ठीक है, तो अब यहां पर हमें करना है ग्रैंड टोटल क्या होता है, आपकी फीस में से डिस्काउंट लेस हो जाएगा। ग्रैंड टोटल इज इक्वल टू फीस माइनस। ओके, अब हमें ये सारी इंफॉर्मेशन यूजर के सामने रखनी है, ठीक है, तो यूजर के सामने रखने के लिए क्या करना होगा, ठीक है हम बताते हैं। ठीक, हमारे पास है जे जे ऑप्शन, अब देखो जल्दी आ गया, शो शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, और शुरू में दिस कर तो ये सब हटा दो, इसकी जरूरत नहीं, और यहां पर तुम रिजल्ट डिस्प्ले करना, तो सबसे पहले लिखो यहां पर फीस, और फीस के आगे दो एफ, ठीक है, अब प्लस लाइन को चेंज करना है, थोड़ा नीचे आना है, ध्यान देना, और नीचे आने के बाद लिखो डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है इसका डिस्काउंट में, और प्लस फिर थोड़ा नीचे आना है, नीचे मतलब चेंज कर रहे हैं, लाइन को चेंज कर रहे हैं, प्लस ग्रैंड टोटल, प्लस ग्रैंड टोटल, एक मिनट, ग्रैंड टोटल, जस्ट अ मोमेंट, देखो अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और यहां पर हमने लिखा ग्रैंड, और ये हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है अब ध्यान से देखना फीस, ठीक है, और तुम चाहो तो फीस से पहले नाम भी डिस्प्ले कर सकते हो। नाम के लिए क्या करोगे, तुम्हारा नाम किसमें आ रहा है, तुम्हारा नाम, अभी नाम बाद में कर लेंगे, ठीक है, फीस डिस्काउंट और उसके बाद ग्रैंड टोटल। अब इसको पूरा समझते हैं, एक बार समझते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, बहुत ईजी टास्क है, इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ये तुम्हारा एक डायलॉग बॉक्स है, उसमें सबसे पहले हेडिंग आएगी फीस, और फीस तो लिख कर आएगा, उसके बाद एफ आएगा, तो एफ मान लो 7000 है, उसके बाद बैकस्लैश एन से कर्सर नीचे आ जाएगा यहां पर, उसके बाद लिख कर आएगा डिस्काउंट, मैं सब समझा रहा हूं, और डिस्काउंट के आगे लिख कर आएगा तुम्हारा डिस्काउंट जो तुमने ऊपर कैलकुलेट किया है, मान लो तुमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया है 200 रुपए, जस्ट जस्ट रॉ फिगर्स, उसके बाद बैकस्लैश एन कर्सर नीचे,
उसके बाद नीचे आकर लिखेगा ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल का मतलब ये हो गया कि 7000 में से 200 माइनस हो गए, तो 7800 ऐसे आ जाए, ठीक है, ओके 6000 सॉरी। अब देखो यही चार्ट पूरा हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद रन किया, और रन करने के बाद नाउ आई एम रनिंग। सी ठीक है, ध्यान से देख। अब सबसे पहले हमने यहां पे लिखा सानिया, और उसके बाद यहां पर हमने लिखा 8000, और जर्नल कास्ट चूज की प्रोसेस, द आउटपुट इज कमिंग। ध्यान से देखो, फीस 8000 थी, डिस्काउंट 800 हुआ, ग्रैंड टोटल आ रहा है 7200। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, देखो सब हो तो तुम्हारे सामने ही रहा है, बस तुमको थोड़ा सा इन चीजों को सस्टेन करना है। इसको यहीं पर रख लेते हैं, और इसको पूरा लेआउट तुम्हारे सामने भेजा जा रहा है। ठीक है, और जस्ट आई वॉन्ट टू सेंड द कोड ऑल्सो, तो तुम पूरा इसको बना कर देख लो। आई एम गिविंग यू द 10 मिनट्स टाइम, क्योंकि आगे जाने से कोई बेनिफिट नहीं है जब तक इतना पूरा स्ट्रॉन्ग ना कर। ठीक है, तो इसको पूरा मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, और डिजाइन तो आपके पास है ही। ठीक है, अब इसको पूरा आप बनाइए, और बनाने के बाद आप प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, जल्दी से, और बनाने के बाद कोई एरर आएगी तो हम ऑन स्पॉट देख लेंगे। हाँ, क्लोज वाली कोडिंग नहीं की, तो क्लोज वाली कोडिंग आप कर सकते हैं, क्लोज वाली कोडिंग आप ही को करनी है। डिस्पोज दिस डॉ हमने बताया था ना, डिस्पोज वो कल बताया था, आप ही आज करो। डन, सो आई एम गिविंग यू द फ्यू मिनट्स टाइम। अभी एक लेक्चर है, ओके, दिस इज माई स्विंग लेक्चर। हाँ वही करना है, वही करना है मारू। ठीक है, दिस इज स्विंग लेक्चर 4, रेडियो बटन इज डन, ओनली द वीडियो विल बी अपलोडिंग। ठीक है, चेक बॉक्स ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ कॉम्बो बॉक्स भी आज डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली कॉम्बो जो है वो चेक बॉक्स से थोड़ा डिफरेंट है और इजी भी है, तो हम पहले कॉम्बो कवर कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद चेकबॉक्स कवर कर लेंगे, डोंट वरी। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। कॉम्बो बॉक्स को हम लोग ज्यादातर ड्रॉप डाउन लिस्ट से जानते हैं, ओके? आपकी 6 बजे दूसरी क्लास भी चल रही है, हम समझ सकते हैं कि बहुत क्लासेस आप लोगों की साथ साथ चल रही हैं, बट ये कुछ दिनों की बात है सिर्फ, 10 डेज के बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा, यू विल हैव lot of time after the 10 days. पर सर टाइम बचेगा ही कहां, सर पेपर आ जाएंगे, मतलब फिर क्लासेस का प्रेशर नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आपको पेपर की भी तैयारी करनी है, ये बताओ क्या हम लोगों ने अभी कितने असाइनमेंट्स कवर किए हैं, हम लोगों ने कितने असाइनमेंट्स अभी कवर किए हैं, कोई असाइनमेंट हुआ है? सर मिनी प्रोजेक्ट वही था, आपने उसको असाइनमेंट कन्वर्ट है ना, असाइनमेंट हमने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को जो जो मैंने टॉपिक्स क्लास में लिखवाए थे उन टॉपिक्स पे असाइनमेंट तुम लोगों ने बना लिया है। हम एक गूगल शीट आज सर्कुलेट करेंगे, ठीक है, तुम उस पर वो डिटेल लिखना
कि असाइनमेंट में तुमने कितना कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि उस हिसाब से हमको मार्क्स देना है। वो भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो जितने भी तुमने असाइनमेंट जितना भी कंप्लीट किया है उस हिसाब से उसमें एंट्रीज करना कि हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं। मैंने सब कहा था कि हर टॉपिक में से कुछ कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ये विंटर वेकेशन से पहले की बात थी। और हमने कहा था जब ये एक फाइल तुम कंप्लीट कर लोगे उसके बाद अगर हमारा प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाता है तो उस प्रोजेक्ट को भी उसी के साथ इंक्लूड कर लेना। उसमें तो सिर्फ प्रिंटआउट लेना है, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बट असाइनमेंट एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसके मार्क्स होते हैं। उसकी मेल्स वगैरह आ रही, हमें मार्क्स देना है, तो हम तुमको भेजेंगे एक शीट, तुम उस हिसाब से उसको फिलअप करना। ओके, स्विंग डेमो। स्विंग डेमो में ठीक है, राइट क्लिक एंड जे फ्रेम, और यहां पर हमने दिया कॉम्बो, कॉम्बो डेमो। ओके, एंड क्लिक ऑन फिनिश। कोई भी कंट्रोल अगर आपको बनाना हो तो जे फ्रेम तो आपको लेना ही होगा। जे फ्रेम इज अ बेसिक फ्रेम। एक्चुअली जे फ्रेम का कलर, बैकग्राउंड कलर आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जे फ्रेम के ऊपर। जे फ्रेम के ऊपर आप कंपोनेंट्स तो प्लेस कर सकते हैं, बस इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि आपके फ्रेम का बैकग्राउंड कलर चेंज हो तो इसके ऊपर आपको एक लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। चलो आज मैं वो लेयर भी बता देता हूँ। पैनल, पैनल वो लेयर होता है। आप पैनल को यहाँ पर प्लेस कीजिए और फिर उसके बाद देखो, मैं पहले दिखा दूं। जैसे मान लो हमने इसको डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद हमने बैकग्राउंड पे गए और बैकग्राउंड पे हमने कलर चेंज कर दिया। ये तो डायरेक्ट कलर चेंजिंग इज नॉट अलाउड, ये ले लिया हमने ब्लू कलर, क्लिक करा। अभी आप इसको रन करेंगे तो आपका कलर ग्रे ही आएगा। यू कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ द जे फ्रेम, इट इज नॉट अलाउड डायरेक्टली, डायरेक्टली अलाउड नहीं। ओके, सी द फर्स्ट फ्रेम ऑलवेज टेक सम टाइम। ओके फाइन, नाउ यू कैन सी दैट द कलर इज ग्रे, बट आई वॉन्ट टू चेंज द कलर। पहली चीज, हमें कलर को चेंज करना है। ओके, तो कलर चेंज करने के लिए इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करते हैं। तो लेयर होती है हमारी पैनल की लेयर। देखो बस यहां पर तुमने प्लेस कराया, उतना ही बड़ा पैनल ले लो जितना बड़ा तुम्हारा फ्रेम है, बाहर नहीं जाएगा। तुम्हारा अगर थोड़ा सा हाथ बहक भी जाता है, मतलब इतनी प्रैक्टिस नहीं है माउस पे, तब भी बाहर नहीं जाएगा। अब देखने वाले लोगों को, मतलब यूजर को लगेगा ये एक फ्रेम है, बट हमारे हिसाब से फ्रेम के ऊपर एक पैनल की लेयर है, और पैनल का कलर हम बहुत ही इजीली चेंज कर सकते हैं। नाउ द कलर इज एब्सोल्युटली चेंज। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो फ्रेम है वो इस कलर का है, बट एक्चुअली फ्रेम के ऊपर एक पैनल की लेयर है। तो कितनी लेयर्स हो सकती है, देयर इज नो लिमिटेशंस ऑफ द लेयर। अभी आपका फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर एक पैनल की लेयर है, अब आप एक और भी लेयर ले सकते हैं, मतलब एक और आप हेडिंग के लिए लेते हैं। देखो अच्छा, एक चीज और, थोड़ा सा हमने अभी फ्रेम को सेलेक्ट किया, ठीक है, वन मिनट, हमने फ्रेम को सेलेक्ट किया। देखो यहां से फ्रेम सेलेक्ट होता है, देखो नीचे देखो नेविगेटर है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कौन सी चीज पर तुम्हें काम करना है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमारा पैनल सेलेक्टेड है, ये हमारा फ्रेम सिलेक्टेड है। फ्रेम के ऊपर हम एक बॉर्डर देना चाहते हैं। जस्ट गिव मी वन मिनट, वेयर इज द बॉर्डर। जस्ट अ मोमेंट। चलो एक्चुअली फ्रेम के, ओके, फ्रेम के ऊपर पैनल है तो पैनल पे हम बॉर्डर देंगे, ठीक है। तो पैनल पे अगर हम बॉर्डर देंगे तो लाइट बॉर्डर दे दिया हमने, एब्सोल्युटली ये पूरा एक बॉर्डर जो है वो सर्कुलर एरिया में कवर्ड है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और हेडिंग, उसके लिए ये एक हेडिंग पैनल है, और इसका कलर आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। लाइक इसका हमने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, वेयर इज द बैकग्राउंड कलर, इसका हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया। सब आपकी डिजाइनिंग के पार्ट्स हैं, ये वाला ले ले, यस इट इज एब्सोल्युटली फाइन। या फिर बहुत ज्यादा ये ले लेते हैं, कलर आज ये ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, मैच भी कर रहा है। बाहर क्लिक करके देख लो, ये तुम्हारा पूरा लेआउट है। अब इसके ऊपर हमें एक लेबल चाहिए है, नो प्रॉब्लम, तो लेबल को आप ड्रैग कर लीजिए। लेबल को बहुत, कुछ लोग बहुत बड़ा बड़ा इतना ले जाते हैं, इतना ले जाने की जरूरत नहीं है, इसको इतना ही रखो। और यहाँ पे ले जाने के बाद राइट क्लिक करके एडिट कर लो,
और यहां लिखो कॉम्बो, ठीक है, डेमो, कॉम्बो डेमो। और कॉम्बो डेमो में या फिर हम लोग लिख लेते हैं जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्शन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्शन, और उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो जितना ये सूट करे, और इस पर सेलेक्ट करने के बाद यू नो हाउ टू चेंज द फॉन्ट एंड बैकग्राउंड, ठीक है, तो बोल्ड कर लो। और यहां पर आपका ये सब तो बाहर के हैं, दूसरे देश के फॉन्ट हैं, अल्जीरियन, ये सब तो यहाँ चल भी नहीं पाएंगे ठीक तरीके से, कुछ और भी हैं इसके अंदर, ठीक है, देखो इसको कभी खाली बैठ करके देखो, बेल बॉटम नहीं, बेल एम्प्टी, ब्रिलियंट सांस, कौन कौन से फॉन्ट है, ठीक है, बडूनी एम्प्टी, बुक एक्वा, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा फॉन्ट है। और ये देखो ये कौन सा फॉन्ट है यार, ये अगर डाल दें प्रोजेक्ट में बनते ही फेल हो जाए प्रोजेक्ट। कैलिब्री, कैलिब्री लाइट, कैलिफोर्निया, कैलिफ बाहर के हैं, बाहर के फॉन्ट्स, ठीक है, हम लोग अपने आ जाते हैं नॉर्मल इंडियन फॉन्ट में, ठीक है, ये ले लिया हमने, प्लेन और 18, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा अब बड़ा कर लो, ये तुम्हारे हाथ में, ये देखो बड़ा करके इसको थोड़ा सेंट्रलाइज कर लो, ये हो गया, अंडरस्टैंड। अब यहां पर हमको एक कॉम्बो चाहिए, तो कॉम्बो के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से आप लीजिए कॉम्बो बॉक्स, हम उतनी ही बड़ी क्लास लेंगे जिससे कोई भी स्टूडेंट बोर फील ना करे और सस्टेन कर ले। अब तुम्हें मालूम है कि जो कॉम्बो बॉक्स होता है उसमें मल्टीपल आइटम की एक लिस्ट होती है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक लिस्ट ओपन होगी। अब वो लिस्ट हम कैसे फीड करेंगे, वो लिस्ट फीड होती है मॉडल प्रॉपर्टी से, मॉडल प्रॉपर्टी, लिखते जाओ मॉडल प्रॉपर्टी, द मॉडल प्रॉपर्टी, मैं क्योंकि लिखवा नहीं पा रहा हूं, टाइम बहुत कम है, मैं बोल रहा हूं तो आप मेरे बोलने पर नोट्स बनाइए, ठीक है, द मॉडल प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्बो बॉक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी टू राइट डाउन द आइटम व्हिच विल बी कंसिडर एज एन लिस्ट। ओके, नाउ ये देखो मॉडल, इस पे एक मिनट थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई कर लूं, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स, और हर लेक्चर से आप एक चीज सीखते चले, तो ज्यादा बड़ा नहीं होगी, चलो ठीक है, ठीक है, अब मॉडल पे आओ, और मॉडल पे आने के बाद यहाँ पे तीन बिंदी वाला बटन है, तो तीन बिंदी वाले बटन पे क्लिक कर दो और इसको पहले से रिमूव कर दो। ओके, पहला दे दो सेलेक्ट प्रोग्रामिंग, ओके, एब्सोल्युटली फाइन, ये सब हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट बनेंगे, जहां पर हम लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करने के टाइम पर बता देंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यूजर लॉग इन कर रहा है कि एडमिन लॉग इन कर रहा है, क्योंकि जब यूजर लॉग इन करेगा तो हम यूजर के जोन में उसको एंट्री कराएंगे, जब एडमिन लॉगिन करेगा तो हम एडमिन के जोन में उसको एंट्री कराएंगे, बहुत कुछ मैंने सोच रखा। सी लैंग्वेज, ओके, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ठीक है, ओके, और जावा लैंग्वेज, ठीक है, एंड सी शार्प लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, ओके, एक दो तीन चार पांच लैंग्वेजेस ले ली हमने और हमने ओके कर दिया। अब ये सारी लैंग्वेजेस, ठीक है, यहां आ चुकी हैं, ठीक है, एक काम और कर देते, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, इसको राइट क्लिक एंड क्लोज इट। अब तुम चाहो तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लो, ठीक है, थोड़ा 14, ओके, और उसके बाद इसका कलर, एक्चुअली जो सबसे ज्यादा कलर सूट करता है, मतलब जे फ्रेम्स पे जो सबसे ज्यादा कलर सूट करता है वो ये कलर एक्चुअली सूट करता है, ये वाला, ये ले लो या ये कलर सबसे ज्यादा सूट करता है ना, ये वाला कलर सबसे ज्यादा सूट करता है, ठीक है, अब देखो बहुत अच्छा लगता है देखने, ठीक है, अब राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद जब फ्रेम को हम रन करेंगे, नाउ यू सी, ठीक है, अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन सर्कल, अंडरस्टैंड व्हाई द कलर इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, हम देख लेते हैं अभी, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं,
आप इनमें कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे वो चूज हो जाएगा। अब देखो नीचे थोड़ा सा गैप ज्यादा आ रहा है, इसको भी अभी सही करते हैं, ठीक है, इसको सही करते हैं। वन मिनट कॉम्बो, ओके। और कॉम्बो को चूज करने के बाद में ये कॉम्बो बटन, हमने कलर तो चेंज कर दिया था इसका, वाई द कलर इज नॉट रिफ्लेक्टिंग, क्यों नहीं कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। फोरग्राउंड कलर ठीक है, बैकग्राउंड कलर से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक, ओके, हम इसको एक बार और रन कराएंगे। और एक चीज और, पहले तो एक बार हम फिर से मॉडल में जाते हैं, और मॉडल में जाने के बाद में यहां पर एक्चुअली एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया है, ओके ओके फाइन। अब उसके बाद इस कॉम्बो को राइट क्लिक करके रन करा रहे हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट कलर ले रहा है, वो स्पेस तो चला गया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट कलर ले रहा है। अभी देखते हैं किसका कलर क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक, फिलहाल हमारे ऑप्शन सिलेक्ट हो रहे हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड कॉम्बो। अब हम चाहते हैं कि जो भी लैंग्वेज यहां पर सिलेक्ट हो वो लैंग्वेज जो सिलेक्टेड लैंग्वेज है वो यहां पर डिस्प्ले हो जाए, यहां पर डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, जस्ट अ मोमेंट, ये कलर आ रहा है परफेक्ट, बट व्हाई दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग देयर, वहां पे क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं, डोंट वरी, कलर इज नॉट अ वेरी बिग डील, वो तो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। पहले हम कुछ इवेंट्स इस पे परफॉर्म कर लें। इवेंट का मतलब है कि जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो सेलेक्टेड आइटम यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पर। तो यहाँ पे डिस्प्ले होने के लिए हमें एक सरफेस देना होगा, तो सरफेस देने के लिए हम एक लेबल बॉक्स ले लेते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, जस्ट गिव मी वन मिनट, हम सबसे पहले लेबल बॉक्स को रखते हैं यहाँ पे, और लेबल बॉक्स को रखने के ये यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं लेबल बॉक्स, और उसके बाद लेबल को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लाइक दैट। और इसके बाद एडिट टेक्स्ट, पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो इसका कलर जो फोरग्राउंड कलर है वो हम ये ले लेते हैं, ओके, और फॉन्ट थोड़ा लार्ज होगा, तो फॉन्ट कौन सा कर दें इसके ऊपर फॉन्ट कर देते हैं हम लोग बोल्ड 18 ज्यादा हो जाएगा 14 तो ही मान, ये हो गया, ठीक है। और इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रख देंगे एलबीएल रिजल्ट, ठीक है, एलबीएल रिजल्ट। देखो लेबल लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये स्क्रीन पर तब तक अपियर नहीं होता जब तक इसके अंदर कंटेंट ना आए, तो यूजर की स्क्रीन पर अननेसेसरी कोई ब्लॉक क्रिएट होकर नहीं आता। तो अगर अननेसेसरी कोई ब्लॉक क्रिएट होकर आता है तो वो प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग को एफेक्ट करता है, यूजर को पता चलता है कि यहां पर कुछ था या है, एक कंफ्यूजन सा क्रिएट करता है, तो ये तब तक नहीं आएगा जब तक इसमें कंटेंट ना आए। तो एक काम करते हैं, इसको हम एडिट कर लेते हैं और इसको हटाते हैं। अब देखो ठीक है अब जब हम इस पे राइट क्लिक करेंगे तो लेबल आपको दिखाई नहीं देगा, नाउ द लेबल इज नॉट अपीयरिंग, कहीं दिखाई दे रहा है यहां पर कोई लेबल है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद कॉम्बो में जाते हैं और राइट क्लिक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो होने जा रहा है, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, ठीक है। और यहां पर आएंगे हम लोग इवेंट में, और इवेंट के बाद आइटम स्टेट चेंज,
मतलब जैसे ही आइटम की स्टेट चेंज हो वैसे ही एक फंक्शन कॉल हो। आइटम की स्टेट चेंज होने का मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर यूजर सेलेक्ट करे तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो जैसे ही कोई आइटम चेंज करे तो एक मेथड कॉल होना चाहिए। कौन सा मेथड? ये खुद बनाकर देगा मेथड, ये बनाकर दिया उसने मेथड। ये मेथड तब कॉल होगा जब यूजर कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करे। तो अगर कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करता है, अगर यूजर कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करता है तो उस लैंग्वेज का नाम, सेलेक्टेड लैंग्वेज का नाम लेबल में आना चाहिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। स्ट्रिंग एक्स इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, पहले हम डिजाइन में जाएंगे और इस कॉम्बो का कोई वेरिएबल नेम सेट करेंगे। हमने रख दिया कॉम्बो, क्योंकि प्रोग्राम में जब किसी कंट्रोल को यूज करना होता है, उसकी वैल्यूज को एक्सेस करना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोग्राम के थ्रू जब किसी कंट्रोल को एक्सेस करना होता है, लाइक चेक बॉक्स, लाइक रेडियो बटन, लाइक टेक्स्ट फील्ड, तो उसका कोई वेरिएबल नेम होना जरूरी है। तो आई हैव गिवन कॉम्बो। कॉम्बो, अब हम ऊपर जाएंगे, ये हमारा फंक्शन था, एक्स इज इक्वल टू कॉम्बो डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। इससे क्या होगा, जो भी यूजर ने आइटम सेलेक्ट किया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस आइटम को ये एक्स में ट्रांसफर कर देगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो आइटम सेलेक्ट होता है वो कॉम्बो बॉक्स के आइटम कैटेगरी का होता है, मतलब कॉम्बो बॉक्स के अंदर आइटम्स होते हैं ना, तो वो उस फॉर्म में होता है, वो स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं होता है, वो उस फॉर्म में होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेलेक्टेड आइटम है, इसीलिए एरर आ रही, ये देखो एरर आ रही, क्या एरर आ रही, देखो यहां इनकॉम्पैटिबल, ठीक है, दिखा रहा है इनकॉम्पैटिबल टाइप, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, मतलब जो कॉम्बो है, कॉम्बो वो एक क्लास है, वो एक क्लास है, तो उसके जो आइटम्स होते हैं वो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो जो आइटम्स होंगे वो कॉम्बो क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे और हमें स्ट्रिंग में चाहिए, तो स्ट्रिंग इज अ डिफरेंट क्लास, होप यू अंडरस्टैंड, कॉम्बो इज अ डिफरेंट क्लास। तो अब हम इसको यहां पे टाइप कास्ट कर लेंगे, अंडरस्टैंड, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कॉम्बो के आइटम को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक्स में ले लिया। अब देखो एलबीएल डॉट एलबीएल रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है, योर सेलेक्टेड प्रोग्रामिंग इज प्लस एक्स, एक्स में वो प्रोग्रामिंग है जो यूजर ने सेलेक्ट, सेलेक्टेड प्रोग्रामिंग इज ओके। अब चलो सब कुछ हो गया, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, नो प्रॉब्लम। सर ये प्रोग्रामिंग लेबल करें? हाँ ये लेबल में करेंगे, लेबल में ही तो आएगा। अब देखो सी लैंग्वेज सेलेक्ट करी, इमीडिएटली आ गया योर सेलेक्टेड प्रोग्रामिंग इज सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, सी शार्प लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। गुड, वेरी गुड। छोटी सी दो लाइन का कोड है यार, तुमने पूरी पूरी सॉर्टिंग की है, सर्चिंग की है, डबल डायमेंशन एरे की है, स्ट्रिंग्स की है, और विदाउट एनी सपोर्ट किया है, याद है कोई इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं था। यहां देखो कितना हाई इंटेलिजेंस सपोर्ट है। तुम सिर्फ क्या लिखते हो, यहां देखो फिर से दिखा रहे हैं, तुम लिखते हो कॉम्बो और डॉट देते हो तो पूरी लिस्ट आ गई। बस खाली गेट याद रखो, जैसे ही गेट लिखोगे अपने आप आ जाएगा गेट सेलेक्टेड आइटम, अंडरस्टैंड, गुड। अब सुनो इतना तो आ गया, अंडरस्टैंड। अच्छा अब एक काम और कर लो, मैं ये काम भी करवा देता हूं, ठीक है, डिस्पोज ऑफ विदाउट डेकोरेशन, इसका नाम है डिस्पोज ऑफ विदाउट डेकोरेशन। अच्छा ये यहां पर है। अब देखो जितने भी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होती हैं, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर अब एक मिनट पहले हो जाए इंप्लीमेंटेशन। एक बटन किधर है, बटन, वेयर इज बटन, ये है।
ध्यान देना। सर बटन लेबल पे आ रही है। बटन लेबल पे आ रहा है ऐसा जी सर, अब उसको लेबल पे प्लेस कर रहे हैं। ऐसा है, अच्छा ओके ओके ओके, भाई ये था क्या? हाँ ये था यार, सही ये सर यही लेबल है। तो मेरा बटन कहाँ गया? बटन रिमूव हो गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नो प्रॉब्लम, अब सही, यस हाँ डेट वॉज राइट, गुड। ठीक है, बटन लेबल पे प्लेस हो रही थी, इस वजह से वो मिसमैचिंग हो रही। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि रिजल्ट ये है, ठीक है, हाँ ये बिल्कुल सही है, एक काम करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, ज्यादातर बॉटम में, और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और इस पर कर लेते हैं क्लोज, क्लोज मी, ओके, और हम चाहते हैं कि इससे हमारा फॉर्म क्लोज हो, ओके फाइन, तो इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहां पर लिख देंगे दिस डॉट, दिस डॉट डिस्पोज, गुड, वेरी गुड। कुछ लोगों को, कुछ लोग जो देखिए जो प्रैक्टिस करेंगे, रात दिन एक कर देंगे काम करने में, उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। जो ये सोचेंगे यार एरर आ गई है, यार एरर आने का मतलब हम नहीं कर सकते हैं, कब तक आएगी एरर यार? कई लोग हमारे पास भेज रहे हैं मैसेज, उनके फ्रेम भी रन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पूरा पूरा एक दिन में सिस्टम फॉर्मेट हो जाता है, एक घंटे के अंदर सारे सॉफ्टवेयर फिर से डल जाते हैं, बट हमने शुरू से ये काम किया ही नहीं। आई डोंट नो हाउ टू फॉर्मेट, हाउ टू इंस्टॉल, जबकि अगर तुम अपने आप को एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर कह रहे हो, तो तुम्हारे बिहाफ पर कोई और आके तुम्हारे लैपटॉप में इंस्टॉलेशन एरर सॉल्व करना, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्व करना, ये सब कोई नहीं करेगा, ये सब तुम्हें खुद करना है, ठीक है, ओके। बना बनाया कोई सिस्टम थोड़ी तुमको दे देगा, ऑर्गेनाइजेशन में क्लीनअप प्रोसेस डेवलपर्स करते हैं, ओके सी। अब यहां पर हमने राइट क्लिक करा, बट एक छोटा सा डिसएडवांटेज है इस फ्रेम में, एक तो कॉर्नर पे आ रहा, वो तो अलग बात, हम सही कर, क्लोज पे क्लोज हो रहा है, बट क्या है कि ये ऊपर जो आ रहा है, ये देखो ऊपर भी आ रहा है ना, ये बार यहां से भी क्लोज कर रहे, तो ये बार हम नहीं चाहते, आई डोंट वॉन्ट दिस बार, ओके वन मिनट। तो दो काम करना है हमें, पहला काम तो ये करना, हर एक, देखो हर एक चीज से मैं तुमको रेस्ट का टाइम भी देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इमीडिएटली तुम नहीं चाहते कि तुम क्लास अटेंड करो 6 बजे की, तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लें, ओके रुको, डिजाइन, कौन से डिजाइन में आ गया यार, कॉम्बो, कॉम्बो का डिजाइन ये, अब रुको ध्यान से देखना, ठीक है ध्यान से देखना, ये तो ठीक है, परफेक्ट आ रहा है, पहले इस फ्रेम को सिलेक्ट करो, इधर से किया करो, ये तुम्हारा जे फ्रेम सिलेक्ट हो गया, यहां देखो नेविगेटर्स में जो तुम्हें कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, ये इसीलिए होता है, तुमने इस पे सेलेक्ट कर लिया, गलत सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर तुम परेशान होगे, तुमको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ये कर लिया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी में आओ, और प्रॉपर्टी में आने के बाद यहां पर देखो डेकोरेशन होगा, अनडेकोरेटेड क्लिक कर, अनडेकोरेटेड पे क्लिक कर, क्लिक कर दिया, अनडेकोरेटेड पे क्लिक कर, अब सुनो अब रन करो, दिस इज योर प्रोजेक्ट फॉर्म, अंडरस्टैंड, दिस इज योर प्रोजेक्ट फॉर्म, ऊपर कोई बार नहीं आ रही, देख रहे हो, नाउ दिस इज मोर इंपॉर्टेंट एंड लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, अब यहां पर इसको मिनिमाइज कर दो, ये है तुम्हारे प्रोजेक्ट फॉर्म, एप्लीकेशन तुम्हारी इन फ्रेम्स पे आएगी। अब अगर मान लो ऊपर नहीं है, तो अब तुम्हें फ्रेम यहां से क्लोज करना होगा, यहीं से क्लोज करो, अगर तुमने ये बटन नहीं बनाया तो फिर ये फ्रेम क्लोज नहीं होगा कभी भी, तो जैसे ही तुम इस पे क्लिक करोगे योर फ्रेम विल अंडरस्टैंड, तो जब हम तुमको जार फाइल बनाकर देंगे तो ये यहां से तुम इसको रन नहीं करोगे, बाहर से एप्लीकेशन रन, ठीक है, ये आ गई, यहां पर हम तुमको मिनिमाइज एप्लीकेशन, ये देखो कहीं मूव नहीं कर सकती अभी, अब सारा काम उसको इसी पे करना होगा, ये तुम्हारी एप्लीकेशन रन हो रही, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, बन गया। बेटर तुम कितना कर सकते हो ये तुम्हारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा, अभी शुरू में बहुत कलर्स कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन नहीं हो पाता,
कलर बहुत लाइट रखो, ठीक है, बहुत ज्यादा शार्प कलर मत रखो, जैसे ग्रीन, मूव, ठीक है, वो सारे कलर्स, रेड, डार्क, वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगेगा, ओके। कुछ कलर जैसे आपको अलाउ नहीं करता वो चेंज करने के लिए, ठीक है, ओके फाइन। तो ये हो गया। अब यहां पर देखो कोई बटन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, ठीक है, नहीं आएगा। अब देखो हम एक काम और कर रहे हैं, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, ओके, ये काम हो गया, बस इतना तो आपने समझ लिया। अब इसकी कोडिंग्स आपको दे दें क्या? पहले तो इसको हम ऐसे आपको स्क्रीनशॉट देना चाह रहे हैं, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसकी कोडिंग आपको दे दी जाएगी। इतना जल्दी हम लोगों ने किया है काम डीवॉक। ठीक है, और जितने भी फ्रेम्स मैं आपको भेज रहा हूं, कुछ लोग, मैं उनके वर्क को अप्रिशिएट करूंगा, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग बराबर मुझको फ्रेम्स बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है, बट कुछ लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, वो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि अगर आप काम नहीं कर रहे, कोई भी टीचर आपको प्रोजेक्ट तब तक नहीं बनवा सकता जब आप खुद इंटरेस्ट ना लें। एक फ्रेम हमने आपके सामने अभी 5 फ्रेम्स बनवाए हैं, तो 5 की जगह पर आप 15 फ्रेम खुद बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद यहाँ आइए। हाँ, टेल मी सर, मैंने आपने बताया था कि अगर हम एस आउट लिखते हैं तो वो हमारा पूरा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन लिख देता है। हाँ, लेकिन वो मेरे पे हो ही नहीं रहा है। मैंने फ्रेम बनाया था तो उसकी जब कोडिंग कर रही थी तो फिर वो नहीं लिख के दे रहा था पूरा। सर, वो केवल डॉट के बाद ही काम करता है। ये देखो आगे सर, मेरे पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। टैब प्रेस करना खाली पूरा। अच्छा, एक काम करना, सिस्टम के बाद डॉट लगाना। अगर ये सारी जा आ रही है तुम्हारी, ये सिस्टम के बाद ये, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज आ रही है, इसका मतलब है कि बहुत तुम्हारा जो है, मतलब जो नेटबीन से बिल्कुल एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव, ठीक है। तो एक बार ये करके देखना, ये देखो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि या तो लैपटॉप मेरे सामने हो, वैसे हमने, हाँ एक काम करो, जरा सा अपनी स्क्रीन शेयर करो। कर पाओगी अभी? सर, मैंने अभी कंप्यूटर नहीं ओपन। कोई बात नहीं, तो जब मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी अभी थोड़ी देर। स्क्रीनशॉट से नहीं हो पाएगा एक्चुअली प्रियांशी, मुझे एक्सेस चाहिए होगा। जैसे अदनान के सिस्टम के पैलेट नहीं आ रहा था, या पैलेट की प्रॉपर्टीज नहीं आ रही थी, तो 10 मिनट के लिए हमने उसका सिस्टम एक्सेस किया था रिमोटली इसी वेबएक्स से, तो पैलेट और प्रॉपर्टीज आने लगी। बाकी और स्टूडेंट थे हो जाएंगे। हमारा आज की रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के नीचे हमने ले लिया पासवर्ड। देख रहे हो, ये हमारी पासवर्ड फील्ड है, और ये हमारी टेक्स्ट फील्ड है। इसके ऊपर तुमने एडिट करके रिमूव कर दो, और इस पर तुम एडिट करके रिमूव कर दो, अंडरस्टैंड। अब दोनों में हम जा करके वहां टाइप कर, तो दोनों में तुम फर्क देखना क्या होगा। सी, ये हम हटाना चाह रहे थे, ये हटा क्यों नहीं, एक मिनट। ओके, अब सही, बस 2 मिनट के अंदर। सी, यहां पर तुम टाइप करोगे दिखाई देगा हेलो, बट यहां टाइप करोगे तो नहीं दिखाई। This is your password field. But ये भी hello है और ये भी hello है, दोनों है। जब हम कोई authentication करेंगे तो हमें hello मिल जाएगा, don't worry. तो इस छोटे से काम को भी तुम कर सकते हो ना, I think, ठीक है। तो अब मैं तुम्हारी क्लास को जल्दी से wind up कर रहा हूँ। एक मिनट, अटेंडेंस ले लूँ, ठीक है। पासवर्ड में साइड में आई बन के आता है, उस पर क्लिक करते
वो हम लोग जो हैं वो HTML और CSS के कॉम्बिनेशन से करते हैं, ठीक है, वो भी आपको बता देंगे, डोंट वरी। अटेंडेंस ले रहे हैं, ये सोमेश की आवाज लग रही थी मुझे, ठीक। चलो मैंने अटेंडेंस ले ली है, थैंक यू। नाउ यू ऑल कैन टेक लीव, ठीक है, आधा घंटा रेस्ट कीजिए, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिए जावा। थैंक यू सर, आप जा सकते हैं सब लोग।
Thank you.
सर गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? मैंने सर व्हाट्सएप पे मैसेज करे आपको ये अपने पुराने नंबर से, लेकिन आपका कोई रिवर्ट ही नहीं आता था, नवंबर में करे थे। हाँ नहीं है तो ऐसी इपिक्स नहीं है, लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम है, तो ऑफिस खुलने वाला था, लेकिन वो फिर वो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट भी आ गया, ऐसे वो वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू हो गया, नहीं तो ऑफिस तो खुलने वाला था, ऑफिस तो वो चीज थी। बस सर दुआएं आपकी, वो इनवॉइस आपकी मिल गई है, उसको हम कल पेमेंट करा देंगे। और बताइए सर, मेरे लायक कोई काम हो? बस अब शुरू हो जाएगा सर कुछ दिनों में, देखिए सब चीजें तो फिर दुबई तो फिर पूरा माफी से ही करा लेंगे सारा, बिल्कुल। और बाकी कुछ कांटेक्ट में सर, हम आप उसी नंबर से हम आपको एक दफा भी टेक्स्ट कर भी देते हैं अपने पुराने नंबर से व्हाट्सएप पे। हाँ तो ये नंबर तो वाला नंबर है कि ऑफिस का है, कभी है लगा, वो तो पर्सनल है, हमेशा चलेगा, मैं एक दफा आपको हेलो कर दूँ। जी सर, मैं रिजवान बोल रहा था वीजा सेक्शन से, वो आपकी रजिस्ट्रेशन का क्वेरी था सर।
तो सिर्फ एमईएस से या पोस्टल के अलावा है या और भी कुछ उसमें वर्क है एसडीएम से या टैली वगैरह का कुछ? तो आप मुझे काम कर दीजिए, आप वो डॉक्यूमेंट जो आपको अटैच कराने उसका आप मुझे पीडीएफ वगैरह फ्रंट और बैक का या उसका फोटो मुझे आप दीजिए जो भी डॉक्यूमेंट। हाँ कल आपको मिल जाए तो कल आप मुझे इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना फ्रंट और बैक हर डॉक्यूमेंट का जो भी डॉक्यूमेंट आपको करना, तो मैं आपको बता दूंगा कि कितना टाइम लगेगा और क्या फीस उसमें, ठीक है ना? देखो सर
Thank you.
Thank you.